हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डायनामोस वर्ल्ड में। और आज एक कमाल की वोल्कार्निक्स की स्किन आई है। जैसे कि कुछ दिनों पहले किटी डॉग्स की नियॉन वाली स्किन आई थी जो कि काफी कमाल लग रहा था। और चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वोल्कार्निक्स की स्किन कैसी देखने में है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों के पास नॉर्मल वोल्कार्निक्स है और हम लोग इसको अभी भी एड्स में ले सकते हैं। और अभी फिलहाल के ये कॉइन्स में अवेलेबल नहीं है। और ये है वोल्कार्निक्स अल्ट्रा। इसकी लुक की बात की जाए तो ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। चलिए सबसे पहले इसका पूरा लुक देखते हैं। ओके, तो इसके पंख में से कमाल के फायरी इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब बर्निंग इफेक्ट आ रही है। और लावा के पूरे, मतलब इसके जो पंख में हल्के हल्के फैले हुए हैं लावा का, मेरे ख्याल से वो हल्का हल्का नर्व्स में। और इसके जो नाखून है पैर के और फिर हाथ में, उसमें भी लावा मुझे दिख रहा है। कमाल का लग रहा है यार। और इसके आंख भी काफ़ी कमाल के लावा जैसे चमक रहे हैं। ये वाकई में वोल्कार्निक्स अल्ट्रा दिखने में लगता है या नहीं ऑनलाइन अरेना में, मेरे ख्याल से उसका हम लोगों को ट्राई करना होगा। इसके मूव इफेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी कमाल के लगेंगे मेरे ख्याल से। और इसका डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल वही लिखा हुआ है, अगर ओपोनेंट इसके पंख में टच होगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा भाई। चल देखते हैं ऑनलाइन अरेना में क्या काम करता है या नहीं, मेरे ख्याल से ये स्पेशल एबिलिटी वगैरह इसकी होगी या नहीं। उससे पहले मैं इस अंडे को इवॉल्व करना देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे मौका देना चाहता हूँ एक, जिससे कि चलो सबसे पहले 5 लेवल अप स्नैक से इसको लेवल अप कर लेते हैं और इसको इवॉल्व करके इसकी असली ताकत इसको दिखाते हैं। अब ये बच्चा है तो ये अब बड़ा हो चुका है। अब इसके पास ये हरिकेन हमले आ चुके हैं। चलो अब ये बन जाता है द लेजेंडरी क्रिमिसन। और इसके पास हेल फायर हमला ये वाला। और क्रिमसन एक ऐसा ड्रैगन है, फायर ड्रैगन, जो कि पत्थर को भी अपने सांसों से पिघला सकता है। इसके ब्रीद में ही इतना कमाल का ताकत होगा, समझ रहे हो, फायरी इफेक्ट। चलो तो अब ये हो जाता है ऑबर्न बन जाता है, जो कि इवोल्यूशन है क्रिमसन का। ये थोड़ा सा अलग लगता है क्रिमसन से। और फिर बन जाते हैं ये वोल्कार्निक्स। तो अंडे को हम लोगों ने पूरा मैक्स स्टेज में कर दिया और इसके पंख बर्निंग लावा से बने हुए हैं और ये लावा और भी ज़्यादा भवकने लगता है इस आग के इफेक्ट से, वोल्कार्निक्स अल्ट्रा से। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका ऑनलाइन अरेना में इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं इसके कमाल के इफेक्ट्स को। ओके, तो फाइनली प्लेयर आ चुके हैं। और एक मिनट भाई, ये कैसा प्लेयर है यार, इसमें मतलब कोई अवतार ही नहीं है। ओके, पीछे से देख सकते हो इसके, ओ भाई हम लोगों पे नहीं होने वाला, ये बच्चा अर्थ बेबी लेकर आया है। लेकिन हम लोगों के पास फायर बेबी था जो कि अभी अभी जस्ट इवॉल्व हुआ है वोल्कार्निक्स अल्ट्रा में। और ये अभी भी डार्कनेस इफेक्ट दे रहा है हल्का हल्का। चलो, हॉर्जेरिक्स हैलोवीन को लेकर आया है तो ये टक्कर की मुकाबला होने वाली है। चलो तो हम लोग सबसे पहले इसके डिफेंस को नहीं भी कम करेंगे तब भी हम लोग हरा देंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं वोल्केनो। ठीक है, क्रिटिकल हिट गया, बहुत अच्छे। अब हम लोग तगड़ा डैमेज देने वाले हैं। देखो, एक रेज फायर रिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग फायर स्पिन से ख़त्म करेंगे। खत्म नहीं होगा लेकिन वो हिप्नो हो जाएगा, देखना। देखो देखो देखो, बहुत तगड़ा डैमेज देने वाला है, ख़त्म भी हो सकता है लेकिन ओहो, हिप्नो नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ओह भाई यार, बच गया दो दो बार। ठीक है, हम लोग भी हिप्नो नहीं हुए, बहुत अच्छे। चलो, हिप्नो हो भी जाते तो हम लोगों के पास रेज फायर रिंग था। अब तो आखिरी हमला में अब आग की बारिश से ख़त्म करते हैं। ओह, हमारा नकल करने की कोशिश कर रहा है। चलो, आग की बारिश से ख़त्म करते हैं। ओके, फाइनली वो ख़त्म हो चुके हैं और उसके एक छोटे डायनामोन बचे हुए हैं। ओ भाई, ये क्यूट सा डायनामोन लेकर आया है। चलो, फेनिकॉर्न को क्यों के अटैक करेगा भाई, कुछ असर ही नहीं हुआ यार। चलो, एक पॉइजन बाइट से ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं दूसरे ओपोनेंट्स पे भी ट्राई करते हैं, उसका खौफ देखते हैं। और इस बार उनकी टर्न होने वाली है। पहले से ही डार्कनेस इफेक्ट आ चुका है ऑनलाइन अरेना में और ये बेबी जीनिक्स को लेकर आया है और पॉइजन बाइट कर दिया, लेकिन कोई असर होने वाला नहीं हम लोगों पे। चलो, हम लोग वोल्केनो से ख़त्म करते हैं। और कौन है उसका दूसरा भाई, दिखा भी दो। ओके, सैडाओल है, ये छोटा वाला से भी लेकर आ रहा है पहले सैड स्लैश के। अभी हम लोग ये रेज फायर रिंग कर देते हैं और अपने छोटे वाले डायनामोन से इसके छोटे वाले डायनामोन को ख़त्म कर देंगे पहले मैं, क्योंकि रेज बर्बाद नहीं करना चाहता। और यार, अटैक कम कर दिया कॉल। चलो चलो, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉप कॉलिक से इसके छोटे वाले डायनामोन को ख़त्म करते हैं। हमें कुछ नहीं कर पाएगा ये एक हमले में, चलो, जैसे हम लोगों को पता था। और हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, देखते हैं इसका थर्ड डायनामोन जो कि हायर लेवल का होगा वो कौन सा होने वाला है। ओके, फायर टाइप होगा क्या? ओ भाई, इसको एडवांटेज मिल चुका है हमारे खिलाफ़।
इराजियन वॉरियर को। तो चलो सबसे पहले हमारी अटैक को उन्होंने कम किया था अपने छोटे वाले डायनमोन से, हम लोग इसकी डिफेंस को कम कर देते हैं। चलो डार्क टाइप में ये बहुत ताकतवर डायनमोन है, बस डबल बाइट वगैरह इसके कमाल के हैं। तो हम लोगों के हमले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पे जाने वाले नहीं थे, लेकिन हम लोग इनरेज थे तो थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा पड़ा। ओ भाई सक लाइफ से। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो कौन सा हमला आता है। अगर वोल्कारनिक्स अल्ट्रा के पास भी एक एक्सक्लूसिव हमला आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलो मैं फायर वर्क्स कर देता हूँ, इससे डैमेज इसे अच्छा खासा पड़ता, लेकिन नहीं पड़ा यार, क्रिटिकल हिट जाता तो पड़ता। चलो रेज, इसको बचा के रखते हैं हेल फायर। ओ भाई इनरेज कर लिया, उसकी अटैक इतनी ज़्यादा फुल है, और भी ज़्यादा फुल कर लिया। प्लीज़ हिप्नो हो जाए यार। ओ नो गाइस, बहुत डैमेज देने वाला ये। ओके ओके ओके, चलो हम लोग अब इसको करते हैं, एक्स्ट्रा हिट जाएगी, क्रिटिकल भी गया। नहीं 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 नहीं, हम लोग हार सकते हैं यार, हम लोग हार सकते हैं। चलो पहले देख लेते हैं यार, हमारे डिफेंस वैसे काफ़ी ज़्यादा है। ओके हमारे पास छोटे डायनमोन नहीं है क्या? ओके सिक, एक्स्ट्रा हिट जाएगी, देखते हैं। क्रिटिकल एक्स्ट्रा गई, प्लीज़ यार। ओके ओके ओके, उन्होंने गलत टाइम पे इनरेज कर दिया, अब वो जाने का उनका वक्त आ चुका है, बस हम लोगों का मिस ना हो जाए। गया, हिप्नो भी हो चुका। तो भाई काफ़ी कमाल का बैटल था ये, काफ़ी करीबी मामला था, नहीं तो हम लोग निपट लेते अभी। ओके तो हमारे पास जैसे कि ये वोल्कारनिक्स अल्ट्रा है, तो हम लोग एक हमारे पास एक और स्किन है, ये वाला किटी डॉग्स नियॉन। तो मेरे ख्याल से इन सभी का भी स्किन आने वाले वक्त में आएगा, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स कमाल के होंगे, जैसे कि एनिमेशन इसमें फायर वाला एनिमेशन है, और इसमें ये ग्लोइंग एनिमेशन है। तो हमारा वो सॉरिक्स कहाँ गया, सॉरिक्स में भी आ सकता है, सॉरिक्स भी एक ये वाला है। तो मेरे ख्याल से इसका लेकिन है ऑलरेडी एक फ्रैंकेस्टाइन वाला स्किन है, तो इसका शायद ही आए। तो मेरे ख्याल से किसका आ सकता है, अर्गोनिक्स का भी है ऑलरेडी, डगरिक्स का भी है यार, अब तो मेरे ख्याल से आएगा नहीं कोई, फिर भी देख लेते हैं आने वाले वक्त में और भी आ सकता है, जैसे कि हमारा विजी हो गया, विजी का भी कमाल का स्किन आ सकता है आने वाले वक्त में। चलो तो मैं इन तीनों को ट्राई करता हूँ यहाँ पर गोल्ड टेम्पल में, जिससे कि हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इन तीनों का इफेक्ट। देखो इसका ये वाला है, तीनों से एक एक हमला करते हैं। ओके बहुत अच्छे, अब इससे फाइनल हिट कर देते हैं। गया भाई सब कमाल के लगता है यार, ऐसे भी और कमाल कमाल के डायनमोन के स्किन्स आ जाएंगे मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में। इसका तो देख लो, ये ग्लोइंग इफेक्ट है, और इसका ये है। चलो वो इसका डार्कनेस इफेक्ट अभी कम हो चुका मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद दूसरे का डार्कनेस इफेक्ट आता है, और उसके बाद दूसरे का खत्म हो जाता है। ठीक है इसको ऐसे करके हम लोग, ठीक है अब इसको हम लोग इससे खत्म करते हैं। चलो पहले चार्ज कर लेते हैं, और उसके बाद कितना ज़्यादा डैमेज, सोलर फ्लेयर से बहुत ज़्यादा तगड़ा डैमेज पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वाला स्किन काफ़ी कमाल का लगा होगा, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा वैसे, क्योंकि इसकी फायर विंग्स में एनिमेशन वगैरह डालने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी कमाल का है, और ये भी कमाल का है यार, किटी डॉग्स नियॉन भी तगड़ा है, और आने वाले वक्त में और भी कमाल कमाल के हमें एनिमेटेड स्किन्स देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अरेना में तो इसी का खौफ होने वाला है मेरे ख्याल से, और इन सभी के एक्सक्लूसिव हमले भी मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आ जाएंगे, तब तो ये सब लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या आप भी इस वाले स्किन को लेने वाले हो? कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।